हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 18 अगस्त को रोहतक में महापरिवर्तन रैली करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी रैली में वो नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। विज ने कहा कि हुड्डा की हालत ऐसी हो गई है कि सहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी बनाने से भी हुड्डा नहीं बदलेंगे, हुड्डा वही रहेंगे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जींद में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने शहीद मदन लाल धींगड़ा की प्रतिमा अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पंजाबी धर्मशाला में धींगड़ा की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखिल भारतीय अरोड़ा खत्री क्षत्रिय महासभा को 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। वहाना के गांव खानपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की इमारत जर्जर है। स्कूल के बच्चे मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। 2 साल पहले स्कूल की इमारत को जर्जर घोषित किया जा चुका है। प्रशासन स्कूल की खस्ता हालत को लेकर उदासीन बना हुआ है। ऐसा जाहिर होता है कि प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। अम्बाला में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। करनाल पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने पिछले दिनों नेशनल हाईवे के 2 पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए। झज्जर के गांव दुजाना से विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। मृतका के सर पर चोट के गहरे निशान हैं। पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। हिसार के गांव प्रभुवाला में स्कूल से विज्ञान संकाय हटाए जाने से नाराज छात्राओं ने स्कूल में ताला जड़कर प्रदर्शन किया। छात्राओं के प्रदर्शन की खबर मिलने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलभूषण शर्मा मौके पर पहुंचे, छात्राओं को आश्वासन देते हुए ताला खुलवाया। सोनीपत के आनंद कॉलोनी में बिजली निगम के एसडीओ की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतका के पति ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। फतेहाबाद थाने में एक रेप का मामला दर्ज हुआ है। एक युवती ने चाचा, ससुर और देवर पर गैंग रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।